मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हम आए हुए हैं बगिया को लकड़ी लेने के लिए। तो अभी हम खाना बनाएंगे चल के, तो पहले लकड़ी ले लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। और यहाँ पर भैंस भी बंध चुकी है, तो काफ़ी टाइम हो गया है और चाय नाश्ता हम लोगों का हो गया है, तो अब हम बनाएंगे खाना। तो लकड़ी ले लेते हैं यहीं से बगिया से, उसके बाद में चलते हैं। तो आज लकड़ी नहीं थी बिल्कुल भी, वैसे हम लोग शाम को ही लकड़ी लेकर जाते हैं, तो रख लेते हैं सुबह के लिए भी। और यहीं पर हमारी बटिया के पास में रखी हुई है लकड़ी, तो यही वाली लेकर चलेंगे। और वैसे तो मड़ैया में भी रखी हुई है लकड़ी, लेकिन वो वाली सुरक्षित रखी है, तो वो वाली नहीं ले चलेंगे। ये बाहर रखी हुई है, तो इन्हीं को हम उठा लेते हैं। और इधर हम आ गए हैं घर पर अपनी कच्ची रसोई में, तो अब छौंकेंगे सब्जी। और सब्जी भी हमने काट छील ली थी पहले से ही, उसके बाद में ही हम लकड़ी लेने के लिए गए थे, क्योंकि हर रोज़ हमारी रसोई में लकड़ी रखी रहती हैं, तो इसी वजह से ध्यान ही नहीं रहा कि आज लकड़ी नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं। तो बाद में ध्यान आया, तो बस लकड़ी लेने के लिए चले गए बगिया को और लेकर आ गए लकड़ी। अब छौंक देते हैं सब्जी को। आज हम सब्जी में बनाएंगे आलू मिथोरी की सब्जी। ये हमने उड़द दाल की मिथोरी बनाई थी, तो अच्छे से सूख गई हैं, अब बना लेते हैं इनकी सब्जी। और इसको पहले से ही हमने मिथोरी को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था, तो अच्छे से हमारी मिथोरी बनने के लिए तैयार हो गई थी। और अब भूंज लेते हैं हल्दी मिर्चा। तो मिथोरी को अच्छे से हमने भून लिया है और बिल्कुल ही अलग अलग हो गई हैं। तो बहुत सारी सिस्टरें हमारी इनको दाल की बड़ी भी बोलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनको मिथोरी बोला जाता है। और इधर अच्छे से हमारे मसाले भुन गए थे, उसके बाद में हमने आलू डाल दिए हैं और पानी भी डाल देते हैं, जितना हमको रसा रखना है उतना पानी डाल देंगे। और रसा वाली बहुत ही अच्छी लगती है ये मिथोरी की सब्जी, तो इसमें कुमड़ा भी डालकर बनाई जाती हैं मिथोरियाँ, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ उड़द दाल की ही बनाई थी हम लोगों ने। तो अब पकने के लिए रख देते हैं। और इधर हमारी सब्जी पक चुकी है और बहुत ही अच्छे से कलर भी आया है। और ये है ना मिथोरी वाली सब्जी, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है, अब सेंक लेते हैं रोटियां। आटा भी हमने तैयार करके रख लिया था। और इधर हम रोटियां भी सेंकने लगे हैं, तो थोड़ी सी रोटी हमारी सीख गई हैं और बाकी रह गई हैं। तो इधर आरोही के पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो इनके लिए थाली लगा देते हैं और बाकी की रोटियाँ भी सेंक लेते हैं। और एक सिस्टर जी ने हमारी कमेंट किया था, बोल रही थी कि जो ये मोटी रोटी होती है इसमें घी लगाओ, घी के साथ में खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो ये तो बात सही है दीदी, लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ घी ख़त्म हो गया है, क्योंकि भैंस भी हमारी नहीं लग रही है, बहुत दिनों से दूध नहीं हो रहा है, तो घी भी अब की बार थोड़ा सा जल्दी ही ख़त्म हो गया, वैसे तो पूरा साल चल जाता है। तो घी के साथ में जो ये पतली वाली रोटी है ये भी बहुत अच्छी लगती है। और मोटी रोटी जो पानी वाली बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम रोटी में घी लगाओ फिर खाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ आलू की भी रोटी बनाई जाती है, उस पर भी घी लगाकर खाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और चूल्हा चौका का सारा काम हमारा हो गया था, उसके बाद में लग गए हैं साफ़ सफाई में। तो आज अपने कमरे की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो उस वाले कमरे की तो साफ़ सफाई हो गई है, तो अपने भी कमरे की आज साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो जो भी सामान हमारा पटिया पर रखा था सारा हमने रख लिया है बकस पर, और बकस की भी ये जो बिछी हुई है जिसको हमारे यहाँ दसनिया बोला जाता है, इसको भी आज धुलेंगे। तो आज पूरे कमरे की अच्छे से हम सफाई करेंगे, पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी, तो अच्छे से हमारा कमरा भी दिखने लगेगा। बहुत ही गंदगी हो गई है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ही जम जाती है। और वैसे साफ़ सफाई तो करते रहते हैं, हर हफ्ते में ही साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ही धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो अच्छे से नहीं साफ़ सफाई हो पाती है। तो आज पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। तो ये वाली अलमारी की भी साफ़ सफाई कर देते हैं, और जो भी इसमें सामान था वो भी हमने रख दिया है बक्से पर। तो जो भी ज़रूरत वाला सामान होगा वही रखेंगे, और बाकी का जो भी सामान है वो बाहर हम निकाल देंगे। और इधर उसके बाद में आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही भी धराशायी करने लगी हैं, क्योंकि इनको तो चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक ये नहीं काम कराएंगी, तब तक हमारा काम भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी साथ में साफ़ सफाई करवाने लगी हैं।
और पूरे कमरे की साफ सफाई हमने दीपावली पर की थी, फिर भी बहुत ही गंदा हो गया था कमरा। और हमारे यहाँ चूहे बहुत सारे हैं, तो चूहे बहुत ही जल्दी से गंदगी कर देते हैं, और जो भी हम ये पेपर वेपर लगाते हैं ये भी बहुत जल्दी से ही सारे पेपर काट देते हैं। तो जो ये हमने पेपर लगाए थे दीपावली पर, ये वाले तो वैसे अच्छे हैं अभी, तो इसी वजह से हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग जाती है ये सारे काम करने में, और पेपर लगाएंगे तो और भी हमको टाइम लग जाएगा कमरे की साफ़ सफाई करने में। तो जो भी हमारे पेपर पड़े हुए हैं वो ऐसे ही हम पड़े रहने देंगे, बस साफ़ सफाई ही करेंगे। और उधर साइड में हमारा यहाँ पर जो कूलर है वो रखा रहता है, तो इसी वजह से वहाँ पर चूहों ने बहुत ही खुतर दिए हैं पेपर जो नीचे नीचे के लगाए थे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े से ही काटे हैं तो ऐसे ही रख देंगे, फिर से जो भी हमारा सामान है फिर से सेट करके रख देंगे। तो ये वाली अलमारी तो हमने सेट कर दी है, जो सामने वाली अलमारी है बेड के पास में, अब ये वाली भी साफ़ कर देते हैं, अच्छे से सेट करके रख देते हैं सारी चीज़ें। और कितना भी सेट करके सारे सामान को रखो, फिर भी ये लोग उथल पुथल मचा ही देते हैं, और ज़्यादातर तो हमारे यहाँ आरोही ही सारे सामान को इधर उधर बिखोर देती हैं, क्योंकि ये हैं जो भी इनको सामान मिल जाए उसी से सारे खेल बनाने लगती हैं। तो आज तो ये सेट करके रखवा रही हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिल जाएगा तभी ये सारे सामान को इधर से उधर कर देंगी और उन्हीं से खेल बनाएंगी। तो जो भी ये जो हमारी सामने वाली अलमारी है इसमें तो जो भी चीज़ें रखी हैं सारी चीज़ें इधर से उधर ये ज़्यादातर करती रहती हैं, क्योंकि उस वाली अलमारी से इनको ज़्यादातर सारी चीज़ें मिल जाती हैं पास से ही। तो उस वाली अलमारी में कोई भी सामान ये रखा ही नहीं रहने देती हैं, तो हम बचा बचा कर ही सारी चीज़ें रखते हैं कि आरोही को ना मिले। और इधर जो हमारा बक्सा था इस पर बहुत ही धूल मिट्टी जम गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही धूल मिट्टी निकल रही है, तो कुछ भी झाड़ू वाड़ू लगाओ तो बहुत ही उड़ती है धूल मिट्टी, जबकि इतनी लिपाई पुताई साफ़ सफाई सब कुछ करते हैं फिर भी बहुत ही धूल मिट्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ बालू वाली जगह है, तो इसी वजह से हर जगह पर आप सभी को बालू बालू ही मिलेगी। और बिस्तर के नीचे इतनी बालू इकट्ठा हो गई है, तो हर महीने हम इसको साफ करते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कभी हमने साफ ही नहीं किया है, इतनी सारी बालू निकली है। तो एक हम पतला सा बिस्तर बिछा लेते हैं और उसके नीचे एक पन्नी बिछा लेते हैं, ये आरोही की वजह से बिछा लेते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी सूसू कर देते हैं तो फिर भीग जाते हैं सारे बिस्तर, तो इसी वजह से इसको पॉलीथीन को बिछा लेते हैं और इसके ऊपर से एक पतला सा बिस्तर बिछा लेते हैं। तो वही ये बालू यहाँ पर इतनी सारी इकट्ठा हो गई है, तो इसको भी झाड़ देते हैं और हर महीने हम इसको बालू को निकालते हैं, तो ये पतला वाला बिस्तर हटाकर और इसको झाड़ देते हैं, साफ़ कर देते हैं अच्छे से। तो इसको हटा देते हैं और फिर इसको गद्दे को भी हटा देते हैं, यहाँ नीचे भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन नीचे तक बालू नहीं पहुँची थी, सिर्फ ऊपर ही बालू रहती है, नीचे कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से हमारे कागज़ आगज रखे हुए हैं, तो ये थोड़े बहुत रखे रहते हैं कागज़ किताबें कुछ ज़रूरी वाली चीज़ें होती हैं वो हम नीचे डाल देते हैं बेड के, तो वो रखे रहते हैं। वैसे तो आरोही बहुत जल्दी से ही इधर उधर कर देते हैं। सारा सामान हटाकर अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बेड की इतनी जल्दी से हम सफाई भी नहीं कर पाते हैं, ऊपर ऊपर की ही सफाई कर लेते हैं, नीचे की नहीं हो पाती है। तो आज हमने गद्दे को भी हटा दिया है, तो अच्छे से यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और आप सभी को दिखाएंगे कि कितना सारा कूड़ा निकला हुआ था उसके बाद में, क्योंकि जो भी काम वाली चीज़ें नहीं थी वो सारी चीज़ें हमने निकाल दी थी, काम वाली ही चीज़ें हमने रखी हुई थी। और इधर हमने बेड के नीचे से झाड़ू भी लगा लिया है और इतना सारा कूड़ा निकला है, तो सारा कूड़ा हम बाहर लेकर आ गए हैं, तो देख लेते हैं कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई के साथ में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज़रूरत वाली चीज़ें वो भी चली जाती हैं कूड़े में ही। तो अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसके बाद में ही हम कूड़ा ले चलेंगे बगिया को। और इधर ये आरोही की टूटी हुई जूती पड़ी हुई थी, तो बहुत दिनों की टूटी हुई है, लेकिन आरोही इनको फेंक ही नहीं रही है, तो आज भी हमने सफाई की तो निकाल नहीं जूती, फिर भी आरोही ने उठा ली है अपनी जूती और पैरों में पहन ली है कि मम्मा इनको हम नहीं फेंकेंगे। और उसके बाद में हम बगिया में भी इसको कूड़े में डालकर आ गए थे इनकी जूतियों को, फिर भी ये उठाकर ले आई थी, लेकिन इन्होंने फेंकी नहीं जूती। और इधर हमने सारा कूड़ा बाहर निकाल लिया है, तो कूड़ा और जो भी हमने कपड़े निकाले हैं धुलने के लिए, तो सारे कपड़े लेकर चलेंगे बगिया को। और इधर जो भी कपड़े हमारे अच्छे वाले थे धुले वाले, उनको भी हम अंदर रख देते हैं, क्योंकि अंदर से बाहर हमने निकाल लिए थे, अंदर बहुत ही धूल उड़ रही थी, तो हमने कहा ये भी कपड़े धुलने के लिए हो जाएंगे, तो पहले हमने निकाल कर ही रख लिए थे बाहर। और अब सारे कपड़े भी हमने अंदर रख दिए हैं, उसके बाद में कूड़ा बटोर लेते हैं, रख लेते हैं तसले में,
और उसके बाद में ही फिर हम बगिया को चलेंगे। तो बहुत सारे कपड़े भी आज हो गए हैं धुलने के लिए, क्योंकि जो दसनिया बिछी हुई थी बकस पर पतली सी है, लेकिन फिर भी उसको भी धुल देंगे। बहुत ही गंदी हो गई थी, तो अच्छे से हमारी साफ़ हो जाएगी। तो अब काफ़ी टाइम हमको लग जाएगा कपड़े अपड़े धुलने में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, और कूड़ा भी लेकर चलेंगे और कपड़े भी लेकर चलेंगे। तो चलते हैं बगिया को, और इधर हमने कूड़ा डालकर आ गए थे, उसके बाद में दूसरी बार में हम लेकर जा रहे हैं कपड़े। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं इकट्ठा, पूरा टब भर गया है। और आरोही को भी नहलाएंगे, क्योंकि आरोही ने भी धूल मिट्टी बालों में भी लगा ली थी और बहुत ही गंदे कपड़े भी कर लिए थे, तो हमने कहा आरोही को भी नहला देते हैं। आरोही को हमने नहला दिया है, उसके बाद में हम बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े भी जल्दी से धुल लेते हैं और बगिया को चले आते हैं। तो थोड़ा सा हमारा जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से पानी निकल आता है नल में, और घर वाले नल में बहुत ही कम ही पानी निकलता है, तो इसी वजह से दिक्कत हो जाती है कपड़े वपड़े धुलने में। और ज़्यादातर तो कपड़े सारे लोग हमारे यहाँ जो हैं यहीं पर धुलते हैं, दीदी भी यहीं पर धुलती हैं, और हमारे पूरे घर के यहीं पर कपड़े धुलते हैं। यहाँ पर पानी अच्छे से निकल रहा है, और जो घर में नल लगे हैं उनमें पानी ही नहीं बिल्कुल निकल रहा है, और जो बड़ी अम्मा का नल है उसमें भी अच्छे से पानी निकल रहा है, जबकि पास पास में ही लगा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कमी है कि हमारे नल में पानी नहीं निकल रहा है, बहुत ही कम ही निकल रहा है। तो बर्तन वर्तन तो धुल जाते हैं, और थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है पानी की तो बाहर से ले लेते हैं, और ऐसे ही काम चलाते रहते हैं। दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप अपनी सास को बुआ क्यों बोलती हो, तो दीदी जी हमारी शादी हमारे बुआ के लड़के के साथ में हुई है, तो इसी वजह से हम अपनी सास को बुआ बोलते हैं। मम्मी भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं, बुआ ज़्यादातर बोलते हैं, क्योंकि पहले से ही बुआ कह रहे हैं। और बहुत जगह बुआ के लड़के के साथ में शादी नहीं होती है, लेकिन हमारे इधर बुआ के लड़के के साथ में शादी हो जाती है। और इधर हमने कपड़े भी सारे फींच लिए हैं, और जो हमारी दसनिया थी उसको हमने मुगरिया से अच्छे से कूट कूट कर फींचा है, क्योंकि जो भी मैल मिट्टी लगी हो वो अच्छे से छूट जाए। तो एकदम से बाद में दसनिया हमारी चमक गई थी, तो अच्छे से पानी से भी धुल लेते हैं, और बहुत ही मैल मिट्टी उसमें निकली हुई थी, क्योंकि बकस पर बिछी रहती है तो उस पर खाना भी हमारा रखा रहता है, तो बहुत जल्दी से ही गंदी हो जाती है, और जल्दी जल्दी से ही उसको भी धुलते रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही धूल मिट्टी हो जाती है। और इधर दिखाते हैं आप सभी को, हमारे यहाँ बगिया में खड़ा है बेल, तो ये सारे बेल हैं जो गिरने लगे हैं, तो ये वाला हमारा पका हुआ निकला हुआ था, तो खाने में भी ये जो बेल होते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इधर लकड़ी भी आज पापा ने चीरी हुई है, तो खाना बनाने के लिए लकड़ी भी बहुत ही ज़रूरी है, तो पतली पतली सी थी तो ये वाली भी चीर दी है लकड़ी। और इधर हमारे सूख रहे हैं सारे कपड़े, तो सूख जाएंगे उसके बाद में हम लेने के लिए आएंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।